छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे, छोड़ दो, हट जाओ, पीछे हटो, मैंने कहा छोड़ो। बस करो। आप कहीं थोड़ा भी इजाज़ सिंह को मजीद मारा तो हम में से कोई भी काम नहीं करेगा। अपना काम करो। तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो। मैं तो आप लोगों की मदद करके महज अपना फर्ज अदा करता हूं। फर से होशियार रहना होगा। मुमकिन है वो युजार सीफ से इंतकाम लेने का इरादा रखता हो। काम का वक्त खत्म हो गया, चलने की तैयारी करो।
कोई हुक्म था बानो? असल में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आँखें और कान खुले रखती थी अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कस्र एक दूसरे के तावन से युजारशीफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशियाएं खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने युजारशीफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युजार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं, आपके तो यही अच्छे हैं। क्यों नहीं, मुझे भी जरूरत है। ये लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है कि मेरा लिबास भी आप ही की तरह हो। कितना अच्छा इंसान है ये। ये तो मुझे बहुत तंग है। अगर आपके नाप का नहीं तो एक दूसरे से तब्दील कर लें। इन गंदे कपड़ों से नहीं जाता। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये दिखाओ मुझे। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। शुक्र गुजार हूँ। युजार सेफ का हम पर बड़ा एहसान है। खुदाओं का दुरूद हो आप पर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई आप उपिस नामी कैदी तो नहीं आया? पता नहीं, तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं उसके रिश्तेदारों में से हूँ। वो एक अरसे से लापता है। मालूम नहीं जिंदा है, मालूम नहीं मर गया। उसके घर वाले, खानदान वाले उसके लिए सख्त परेशान हैं। काश कोई खबर, कोई अता पता मिल जाता तो कम से कम उसके बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को यह खुशखबरी सुना सकते। जनाबी की दामून, वो दो कैदी जो जंदाने इनफरादी में है, क्या नाम है उनके? तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी आया है अपने एक अजीज आपो पीस की तलाश में। मैंने सोचा शायद उन दो कैदियों में से कोई एक हो। चलो जरा देखे तो। तुम कौन हो और आपो पीस से क्या काम है? हाँ मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लापता है, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो फिर बताते हैं। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबदे आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर अली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करो कि दामोन ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आप ओपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो। हे,
आपको हक नहीं पहुंचता कि मुझे यूं गिरफ्तार करें। मैं जनाब आखमाहू काहिन आजम से शिकायत करूंगा। अगर उनसे मिल पाओ तो जरूर करना, फिलहाल तो कुछ दिन तुम हमारे मेहमान हो। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं आपको निगेबान इसे सामने की कोठरी में मुंतकिल कर दो। हरकत करो। कुबूनी है माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमाहू का दस्ते रास। इसका आबू पीछे से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राबता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब, आप पीस और बिना रूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। पास्त फितरतों खुदा की लान, तुम्हारा सत्य नाश हो जाए। मुझ अहमद को देखो जो अपने शरीर के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहां ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमून के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के निगमानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो। जी, शायद याद आ जाए कि बूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया।
जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे यकीन करें जनाब, जनाब पोतीफार मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं मारो। छोड़ दो मुझे। मुझे जनाब आँख महू ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र अनुरोध से किया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। सह ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूज उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया। लेकिन बिना रूस ने नहीं किया, खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बिना रूस कुछ ना कहता तो किस्सा तबाह हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमानरवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी जंदाने अमूमी ले जाओ, बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए, मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी अरे जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुताबिक कोई हुक्म ना ले आऊं। युजासिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। युजासिफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान जिंदा उसे पसंद करने लगी। सभी युजारसीफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है, या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदाने सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया।
जो है मुझे खबर मिली मैं फौरन वहां पहुंचा। आपू पीस ने इतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आत्माओं के हुक्म पर फरमानवा की जान लेने की कोशिश की थी और बिना रूस को भी जबरन अपने हमराह शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि महाबत के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से महाबत के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग महाबत के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने जाए होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर नफूस को इतना भी नदीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिनारूस और अबू पीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए। बाबा, मेरे जहन में कहनान इमामत से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदियों और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने रबते का इतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा, जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली है कुछ तो खून की कभी भी ताईद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरमों को तंबियन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अपू पीस ने इतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि युजासिफ को जंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयसर हैं। वो वहां बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का माबन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि युजार सिफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद युजार सिफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान जावीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि युजार सिफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। युजासिफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा।
जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं, जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नतीजे हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरजू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। युजार सिर्फ को आसुदा खातिर ना रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जंदाने जावीरा के दारुगा को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस अर्जी कैतुबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जंदान से हमारी निजात के लिए एकदम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकसर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा, तो इनमें और आमून में क्या फर्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए, ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर और तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, राज और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो उसके काहिन भी क्या काहिनान आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है।
तुम जाओ। ए, मुझे किदामुन से कुछ काम है। क्या हुआ, क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस खता है। वो आमुने बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से। वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यक्ता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ननीफर, युजार सीफ मेरी नजर में एक शरीफ नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से जंदाने जाविर आए हैं, कैदखाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाजे कमी वाकई हुई है, समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। पर जनाब कीदामुन से क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था, जनाब कीदामुन को वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की, हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीख को सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं ना उम्मीद नहीं हूं।
بانو زلیخہ، ہم سر علی جناب پوتیفار زندان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ جناب کی دامن، کہو۔ بانو زلیخہ، ہم سر جناب پوتیفار زندان کے دورے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ انہیں بسد احترام لے کر آؤ۔ درود بر بارن زلیخہ۔ آپ اور دیگر قیدیوں پر بھی درود ہو۔ اس بھولے بسرے ویران خراب زاویرہ میں خوش آمدید۔ میرا نہیں خیال کہ یوزار سیف کے ہوتے ہوئے اب بھی زاویرہ کو ایک ویرانہ اور خرابہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں کو آباد کر دیتے ہیں۔ جی بانو، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یوزار سیف نے ہمارے اس زندان کو حیات نو بخشی ہے اور وہ سب کے لیے نہایت عزیز و محترم ہے۔ لیکن یوزار سیف ایک باغی و سرکش غلام ہے، ہم نے اسے زندان بھیجا تاکہ وہ تائب ہو کر ہماری اطاعت کرے، اس لیے نہیں کہ زاویرہ میں سب پر حکمرانی کرے۔ لیکن بانو حضور، زندان زندان ہوتا ہے اور قیدی کے لیے یہی کہ وہ آزادی سے محروم ہوتا ہے، اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قیدی پتھر کی کانوں میں مسلسل طاقت فرسا کاموں میں جوتے رہنے پر مجبور ہیں، جو کہ خود کسی شکنجے سے کم نہیں۔ دیکھیے جناب کیدامون، آج بانو زلیخہ زاویرہ اس لیے آئی ہیں تاکہ کسی بھی قیمت پر یوزار صرف کو جسمانی اذیت پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں، مثلاً کیسی اذیتیں؟ کوڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے کوڑے مارے جائیں اور میں اس کی نالہ ہوئے فریاد سنوں۔ اطاعت بانو حضور، اطاعت۔ میں آپ کے حکم کا تابع ہوں، نہ کہ یوزار صیف کا ہمدرد اور خیر خواہ۔ آپ یہیں رکیے، میں ابھی لوٹتا ہوں۔ یوزار صیف، بانو زلیخہ یہاں تشریف لائی ہیں اور مصر ہیں کہ تمہیں جسمانی ایذا پاتے دیکھیں، اور میری ان کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش بے سود رہی۔ آپ کو اختیار حاصل ہے۔ یوزار صیف کو ان ستونوں سے باندھو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کیوں باندھ رہے ہو؟ یہ مجھے کوڑے مارنا چاہتے ہیں، ذرا صبر سے کام لیجئے، یہ لوگ مجبور ہیں۔
आइए। क्या कर रहे हो? और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़र्बे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं, यूज़र सिफ। जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैसो गजब संग दिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूजी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें ज़ुलेखा की वजह से सजा दी गई है?
आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसरदा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेजों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों?